सागर जिले से चांदी की तस्करी करने वाले एक आरोपी को मोतीनगर पुलिस द्वारा करीबन 1,35,00,000 कीमत की चांदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक डस्टर गाड़ी में बड़ी मात्रा में अवैध चांदी की तस्करी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए निर्देश दिए गए और टीम गठित कर कार्रवाई की गई। वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो वाहन में चांदी के आभूषण, चांदी के तार, 215 किलो चांदी बरामद हुई, जिसके संबंध में व्यक्तियों के पास ना तो कोई बिल मिला ना ही कोई वैध कागजात। थाना मोदी नगर पुलिस को, थाना प्रभारी मोदी नगर सतीश सिंह को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बड़ी मात्रा में चांदी की तस्करी कर रहे हैं। उस सूचना पर उन्होंने घेराबंदी कराई, जिसमें कि पगारा रोड पर एक डस्टर गाड़ी को रोककर चेक किया गया। चेक करने पर उसमें जो है चांदी पाई गई, जिससे कि उनसे उसके कागजात मांगे गए, वैध कागजात कुछ उसका अगर है तो प्रस्तुत करें, ऐसा उनको बताया गया। उनके पास कोई भी कागजात न पाए जाने पर मौके से उसको जो है 102 CRPC के तहत जब्त किया गया है। जब्त करके उनको थाने लाया गया है। अब संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई है तो उसमें जो है पुलिस के द्वारा लेख किया। लगभग कितनी चांदी है, क्या कीमत है इसकी? चांदी की जो कुल वजन है वो 215 किलोग्राम लगभग है अवैध चांदी, और इसकी जो कीमत अनुमानित है वो 1,45,00,000। कौन कौन लोग पकड़े गए हैं सर? पकड़े गए 3 लोग हैं, जिसमें कि एक विमल जैन है, राहुल जैन, और रिजवान पिता सुलेमान मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले थे ये सभी? सागर जिले के रहने वाले। चांदी कहाँ से ला रहे थे ये पूरा? प्रथम दृष्टया उनके द्वारा जो है चांदी आगरा से लाना बताया जा रहा है। अब इसकी विवेचना होगी तभी चीज क्लियर हो पाएगी। JSR टाइम्स के लिए सागर से चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।